अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। टाइम है जी, नज़र आ रहा है आपको, मैं बता दूँ 8:17 है। सुबह सुबह की आज जो है मैं आपको मरी का व्यू दिखाता हूँ, मरी का मौसम बताता हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे बहुत से दोस्तों की तरफ से कि मरी का मौसम कैसा है। तो मरी का मौसम शानदार है, हल्की हल्की धूप यहाँ पे लगी है क्योंकि सावन ख़त्म हो गया, बारिशें ख़त्म हो गई हैं मरी में। पहले बारिशें बहुत ज़्यादा थी, अब बारिशें हो चुकी हैं ख़त्म, और कहाँ गया जी, यहाँ पे बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं और मरी का जो मौसम है वो धूप लग चुकी है। लेकिन ये कि शाम के टाइम और सुबह के टाइम ठंडी ठंडी हवाएँ चलती हैं और दिन को धूप लगती है। अब बादल वाला सिस्टम नहीं है, बारिश नहीं है, क्योंकि ये जो महीना है ये इसी तरह खुश गुजरेगा और नेक्स्ट जो महीना है वहाँ से बारिशें स्टार्ट होंगी, फिर बर्फ़ स्टार्ट होगी। तो ये महीना आपका धूप के साथ गुजरेगा तकरीबन नवंबर की 15 तारीख तक। नवंबर की 15 के बाद जो है वो सर्दी स्टार्ट होगी। मौसम अभी बहुत ही अच्छा है और मैं चल रहा हूँ, रास्ते में आपको पूरा वेदर दिखाऊंगा, बाइक पे जा रहा हूँ तो मेरे साथ रहेंगे, तो पूरा व्यू आज मैं मरी तक आपको लेके जाऊँगा, सनी बेग तक, तो सारा आपने टूर देखना है। फिर
सर मैं आ चुका हूँ आप कुलडन्ना यानी यहाँ से आप लोग मार रोड भी जाते हैं और जहाँ से आप यूपी नथिया गली और एबाद की तरफ जाते हैं, तो ये रहा कुलडन्ना चौक। और कोहाला से अगर आप आएंगे तो कोहाला वाली रोड इस तरफ है। और कुलडन्ना में अभी एक दो कलीग्स मुझे और मिलेंगे यहाँ पे, तो मौसम मैंने आपको बता दिया। और जिन्हें एक महीना तकरीबन यहाँ पर धूपें ही लगेंगी, यहाँ पर धूप ही धूप रहेगी, तो बारिशें नहीं होंगी। अगले इंशाल्लाह जो है नवंबर जो अभी नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है इसकी 15 के बाद बारिशें भी स्टार्ट हो जाएंगी और फिर जो है वो मौसम भी जो है ना आस्ता आस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक जो है वो वेदर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। एक महीना आप यहाँ पर आ सकते हैं। रात के टाइम सर्दी होती है, रज़ाई वगैरह आप रख सकते हैं, कंबल में गुजारा नहीं है यहाँ पर। लेकिन यह है कि दिन को अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो दिन का मौसम यहाँ पर बहुत ही अच्छा होता है, ना ही ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा सर्दी, एक मॉडरेट सा वेदर है। और ये आपको मैं बोर्ड भी दिखा रहा हूँ, साइन बोर्ड जो जा रहा है जी आपके पास पीसी बुरमन एक्सप्रेसवे जिका गली और नथिया गली और एबटाबाद कोहाला की तरफ। सो वेदर की रिपोर्ट आई होप कि आप तक पहुँच चुकी है। अब जो बात है वो ये है कि अब आप लोग मुझे देंगे इजाज़त और इंशाल्लाह जो पिछली वीडियो मेरी आज 22 तारीख है, सॉरी जो पिछली वीडियो मेरी मैंने उसमें 23 बोल दिया, जो एक्सप्रेस वे पर खड़ा हूँ उसका चक्कर ये हुआ है। मुझे इमरान भाई ने अभी बताया कि आपने 23 बोला है, मुझे जुनेद भाई ने भी बताया, हाँ नहीं बताया। हम लोग इतने कन्फ्यूज, पेपर हमारे हो रहे हैं ना तो इतनी डिस्टर्बेंस है, छुट्टियाँ बीच में काम है, फिर जॉब भी, पेपर प्रिपरेशन, तो हमारे वो लास्ट पेपर 23 को हम लोग इतने ज़्यादा सुपर एक्साइटेड थे कि हमने जो है ना वो 23 बोल दिया। हालाँकि उस दिन तारीख क्या थी, 21 थी मेरे ख्याल से, तो 23 बोल दिया।
और जुनेद भाई से मैंने पूछा, मैंने कहा मंडे है, मुझे कहते हैं ट्यूसडे, हालांकि मंडे था उस दिन, तो मतलब सारे ही हम लोग इसी तरह से पेपर के दौरान। तो उसके लिए माधव 21 तारीख हमने पिछली वीडियो अपलोड की थी और ये 22 है, और इंशाल्लाह 23 को पेपर खत्म हो तो फिर इंशाल्लाह मार रोड और आगे पीछे जो ना सराउंडिंग हो सकता है दोबारा एपटाबाद या लिफ्ट जो उस तरफ चले जाएँ, यूबिया नथे गली की तरफ भी हो सकता है जाएँ हम लोग। तो प्लान्स अभी काफ़ी हैं, घूमना फिरना अभी काफ़ी है, आप लोग बस साथ रहेंगे, देखते रहेंगे और अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।